माता के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करने से दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। हमें यश पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से मिलता है। प्रातःकाल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की रेखा देखना चाहिए, क्योंकि हाथों में लक्ष्मी व सरस्वती जी का वास होता है। उसके बाद भूमि का वंदन करें, उसके पश्चात नीचे पैर रखें। उक्त उद्गार मैन रोड पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिन व्यासपीठ से पंडित देवेंद्र शास्त्री ने व्यक्त किए। श्री शास्त्री जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल तो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि रात में कितने मैसेज आए, लेकिन सुबह उठते ही भगवान का नाम ले तभी उद्धार होगा। उन्होंने आगे बताया कि शिवलिंग साधारण नहीं है, इसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रकट किया था। व्यक्ति व वस्तु का महत्व जानना आवश्यक है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जैसे महाराज एक बर्फ की शिला होती है किसी विवाह में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।